धन्यवाद G72 आदरणीय जावेद जी। मैं जो संसद नई संसद बनी है इस देश, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए में बनवाया और उन्होंने कहा कि ये भारत के स्वर्णिम काल की याद दिलाएगा कि भारत ने एक नई संसद बनाया और बहुत कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के संसद के निर्माण के बाद, नए संसद के निर्माण के बाद अपने संबोधन में कहा कि ये संसद एक ऐतिहासिक इमारत होगी, इसको देख करके इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो उच्च कोटि का निर्माण है, ये सारी चीजें नए भारत के लिए एक सुंदर दृश्य उत्पन्न करेगा कि भारत में ऐसी संसद बनी है। इसको बनाने में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस नई संसद के निर्माण के पहले वर्ष में ही, पहली बारिश में ही हमारी संसद की जो गुंबद है, हमारे संसद का जो गुंबद है वो गुंबद चूने लगा, पानी टपकने लगा। पहला बरसात ही हमारे देश का जो उच्च कोटि का निर्माण हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में हुआ, वह प्रथम बरसात में ही टपकने लगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बरसात में तो छाता लेकर हम लोग बाहर चलते ही थे, अब देश की संसद में भी छाता लेकर हमको जाना पड़ेगा। ये उच्च कोटि का निर्माण है हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए आया हूं, जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है और हम कहीं भी न खाएंगे न खाने देंगे, और जो काम हमको देखना होता है मैं चुपके से ड्रोन भेज करके और निर्माण की गुणवत्ता को मैं देख लेता हूं। तो प्रधानमंत्री आवास के बगल में जो निर्माण हो रहा था, प्रधानमंत्री जी लगातार हैट पहन करके और नक्शा लेकर के संसद भवन के, नए संसद भवन के अंदर जा करके इंजीनियरों के साथ फोटो शूट कराते हुए सोशल मीडिया पर डालते थे कि मैं नए संसद भवन के एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहा हूं, हाथ में नक्शा है, सिर पर इंजीनियर वाली टोपी है, और ये सारी चीजें लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी और नई संसद भवन के निर्माण के समय जाते थे। और कितना उम्दा निर्माण हुआ, बाकी चीजें तो अभी अलग है। जो उसका छत है वो छत टपकने लगा और बाल्टी रखना पड़ा हमारे देश की संसद भवन, एक अंग्रेजों ने निर्माण कराया संसद भवन, जिसको पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी सीढ़ियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चूमा था और चूम करके उस संसद भवन के अंदर प्रवेश किए थे। वो संसद भवन उनको पसंद नहीं आया, जिस संसद भवन की सीढ़ियां उन्होंने चूमा, 1200 करोड़ रुपए में नया संसद बनाया और नए संसद भवन में पहले ही बरसात में उसकी कलई खुल गई। तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्माण की गुणवत्ता है, उनकी जांच परख है, उनका ड्रोन से जांच करने का मामला है कि 1200 करोड़ रुपए लगा करके इस देश की संसद भवन को बनाया जाता है और वह संसद भवन पहले बरसात में ही टपकने लगता है, चूने लगता है। इसी तरीके से देश के अंदर जितने निर्माण हुए, रामपथ बना, रामपथ टूट गया, गुजरात की कंपनी थी, बिहार के अंदर दर्जन भर पुल, कई पुल तो ऐसे जिनका अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ था, लोकार्पण ही नहीं हुआ था, वे पुल दह गए, बह गए, टूट गए, गिर गए। मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल में मंदिर वहां पर बनाया गया, वो सारे के सारे वहां की मूर्तियां चटक गई, वहां के छत गिर गए, वहां के जो मूर्तियों के ऊपर लगाया हुआ छतरी था वो सब गिर गया, वहां पर लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उससे जुड़े हुए प्रबंध समिति से जुड़े हुए लोगों ने कि भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी
आदरणीय मोदी जी ऐसा इस देश के अंदर जो ये अमृत काल है उनका, इस अमृत काल में अमृत का मतलब होता था कि अमृत पी लिए तो अजर अमर हो गए, और इनके अमृत काल में आपने इनके अमृत काल में अमृत चख लिया तो बिना उद्घाटन के ही पुल ध्वस्त, पहली बरसात में ही संसद की छत टपकनी शुरू, रामपथ टूट गया। तो ये अमृत काल है, इस अमृत में जिसने भी इसको चखा वह एक साल भी नहीं चला। अमृत पीने का मतलब होता है कि अमृत पी लिया तो अमर हो गए, मतलब मरेंगे नहीं, टूटेगा नहीं, निर्माण ध्वस्त नहीं होगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी का जो अमृत काल है वो ऐसा अमृत काल है कि एक वर्ष भी उसकी आयु नहीं है, 6 महीने भी उसकी आयु नहीं है। पुल बना नहीं कि टूटा नहीं, संसद भवन बना नहीं कि चूना शुरू हो गया। तो मैं यही कहूंगा G72 आदरणीय जावेद जी आपसे कि आज हमारा देश किस मुकाम पर खड़ा है, भ्रष्टाचार के किस मुकाम पर खड़ा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार इस मुकाम पर खड़ा है कि इस देश के अंदर जो भी निर्माण हो रहा है वो निर्माण गुणवत्ता विहीन हो रहा है, वो निर्माण उस निर्माण की कोई रिस्पांसिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी केवल बोलने में विश्वास करते हैं, कहीं भी कार्रवाई नहीं दिख रही। तो इसलिए हम कहेंगे कि इन चीजों पर विराम लगना चाहिए और गुणवत्ता का ध्यान दिया जाना चाहिए, चीजें अच्छी बननी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी